गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पोलर फॉर्म में लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं किसी भी का, ये देखेंगे। तो इसके लिए जो हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, दैट इज द एस इज इक्वल्स टू आपके लिमिटिंग वैल्यू वही होंगे अल्फा टू बीटा, अर्लियर वी आर यूजिंग द ए टू बी, सो एट दिस वन इज आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वेयर एंड देन डी थीटा। ओके, ये है हमारा लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। सो हाउ इट कम्स फ्रॉम, एक छोटा सा हम आपको रफ फिगर बना करके ये समझाते कि ये आता एक्चुअली कैसे है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फिगर है, ठीक है, ये मेरा एक कर्व है, ये कर्व है, तो यहाँ पे पॉइंट पी हमने ले लिया, मान लो ये आर थीटा। अब ये कर्व एक टेंजेंट जरूर बनाएगा यहाँ से, इस तरह से, ठीक है, एंड दिस वन इज योर ओरिजिन, तो यहाँ ओरिजिन से भी ये क्या करेगा, इस पॉइंट पी को टच। ओके, अब क्यों जब पी को हम एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा एक पॉइंट क्यू तक ये पहुंच जाए, तो क्यू मेरे पास क्या होगा, आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा के बराबर होगा। यहां से एस ओरिजिन को फिर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू दिस पॉइंट क्यू एज टेकन द एन, एंड सिंस दिस इज द टेंजेंट सो आई एम टेकिंग इट अ टी। ओके, देन हियर इट इज एक्स, लेट इट बी थीटा and this angle is your delta theta. कहाँ से? O से ये बना रहा है delta theta. अब देखो इस figure में हमने क्या लिया, curve का equation ले लिया है, r equal to f theta is the required equation of the curve. अब ये मेरा curve है, तो हमने कहा कि p r theta कोई इसके points से curve पे, एक point p है और एक point q है, जिसके coordinate कितने हैं, तो r theta है और इसके r plus del r theta plus del theta के बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग खुद से मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि AP का जो वैल्यू है, ओके, हियर इज ए दिस वन, एक्सक्यूज मी, ये जो कर्व है मेरा, तो ये मुझे लेंथ फाइंड करनी है ना, इस कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये मान लो मेरा क्या है, कर्व जो है ये AP, यहाँ से ये A है, यहाँ से ये P है, तो खुद से मान लेते हैं कि जो AP का जो लेंथ है मेरा वो कितना है, तो वो S के बराबर है, क्योंकि ये S है, तो यहाँ पे जब इसको आगे एक्सटेंड करें, देखो अभी A से P तक गया, फिर P से कहाँ गया, Q तक गया, तो अगर AQ की हम बात करें, तो AQ की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Anyone just tell me what is the AQ? S और ये S plus delta S. तो delta S हो जाएगा, तो S plus delta S. So this is the length for AQ and the length of A. हमने फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस, तो एस के लिए लेंथ फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हम आते हैं यहाँ पे, तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से कि पी एन परपेंडिकुलर टू दिस मच, तो इस ट्रायंगल में देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ पी एन, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी एन की जो वैल्यू है दिस वन दिस पी एन, क्योंकि हमारा एंगल कितना है डेल्टा थीटा है और ये पी एन है और ये मान लो मेरी R है, तो अगर ये R नोन है, ये डेल्टा थीटा है, तो PM को हम क्या लिख सकते हैं, हम R sin डेल्टा थीटा, क्यों, क्योंकि अगर sin डेल्टा थीटा हम देखें यहाँ से, तो ये मेरा हो जाता है sin डेल्टा थीटा इज योर PN डिवाइडेड बाय, इतना होगा PN डिवाइडेड बाय OP, यू कैन राइट इट OP, सो दिस इज व्हाट PN डिवाइडेड बाय R, और इसीलिए PN की वैल्यू कितनी हो गई, R sin delta theta के बराबर हो गए, ठीक है, हमें PN मिल गया। अब हम कह रहे हैं कि Q tends to P हो जाएगा, अगर मेरा Q जो है वो P की तरफ मूव करे, तो यहां से delta theta कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, delta theta tends to zero, अगर delta theta tends to zero है, तो फिर अब आते हैं इस आर्क पे, तो ये आर्क PQ, देखो यहां से आर्क PQ, दिस डिवाइडेड बाय कॉर्ड पी क्यू कितनी हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगा, आर्क पी क्यू एंड देन कॉर्ड पी क्यू, लेट इट बी वन, ये होगा वन या नहीं, देखो पी क्यू की वैल्यू मतलब क्या, ये इस तरह से अगर इसको ज्वाइन कर दे, देन वी विल राइट इट अ कॉर्ड ऑफ पी क्यू, बट हियर वी विल टेक दिस कर्व, देन आई विल राइट द आर्क पी क्यू, बट दोनों की वैल्यू जो है अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो हम लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाए, दिस
वैल्यू टेंस टू वन, ये वन के बराबर होगा। इसीलिए अब हम आते हैं इस ट्रायंगल पी। अच्छा देखो, यहाँ से आप ये जो वैल्यू है और ये आर की जो वैल्यू है, क्या दोनों सेम नहीं होगी? हम कह रहे हैं आपको 1 किलोमीटर चल के जाना है, ठीक है, आपने डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर देना है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा हल्का टेंड करें, डेल्टा डेटा नॉट जस्ट सिमिलर इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे अगर ये हम लेते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर लिमिटिंग वैल्यू हम ले q टेंस टू p, तो डेल्टा थीटा मेरा जीरो के बराबर चला जाएगा, ठीक है। एंड सो डैट ये जो pn है मेरे पास, ये जो pn की वैल्यू है, दिस pn, ये हो जाएगा r डेल्टा थीटा के बराबर। दिस pn इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा। व्हाई डेल्टा थीटा? क्योंकि अगर डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो दिस वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा थीटा के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब हम साइन डेल्टा थीटा करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय भी डेल्टा थीटा करते हैं। ओके, सो आई राइट इट लाइक दिस वन, दिस मच। इसको क्या लिखेंगे, r डेल्टा थीटा इनटू साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, एंड व्हाइल टेकिंग द लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, दिस वैल्यू विल बिकम 1, एंड सो दिस इज योर r डेल्टा थीटा। सो आई एम राइटिंग हियर द pn इक्वल्स टू r डेल्टा थीटा। क्लियर है गाइस? और on की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज ओएन? ओएन कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल आर यहाँ से। बट ओएन की वैल्यू अगर डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो ओएन की वैल्यू, और ये थीटा कहाँ आ गया, क्यूपी में आ गया, तो ये ओएन की वैल्यू क्या आपके इस ओपी के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो ओएन भी हमारा क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए एन क्यू का जो वैल्यू होगा, This is equal to delta R होगा, और R PQ by cot PQ 1 के बराबर टर्न करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में PNQ, PNQ इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में हमें क्या देखना है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, this one is a right angle triangle. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, PQ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, PN स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। ये ऐसा, और PN की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, R डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। तो R डेल्टा थीटा होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज योर NQ, NQ इज योर डेल्टा R, so this is your delta r whole square. and what about pq, what about pq, pq हमने कहाँ निकाल रखा है, pq मेरा कितना है, what is length, r plus delta r, ये है, यह है, हमने pq कहीं लिखा था, aq equal to इतना, ap equal to इतना, s, this is your del s, देखो ये ऐसे हो जाएगा, इस value को लिख सकते हैं s plus delta s minus s, तो ये कैंसिल होके मुझे आ जाएगा डेल्टा एस, मतलब ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ है आपकी डेल्टा एस के बराबर। सो आई राइट हियर डेल्टा एस होल स्क्वायर। इज इट क्लियर गर्ल्स? यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर गर्ल्स? कोई डाउट इस डिस्क्रिप्शन पे? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस फिगर के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। अब ये हमें मिल गया यहाँ, अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। तो थीटा को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अगर ये भी हटा दिए तो कितना आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा, नॉट इन द लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा। ओके, क्या मिलेगा ये वैल्यू मुझे, इफ द डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, देन व्हाट दिस वैल्यू विल बी टू, दिस विल गोस टू डीएस बाय डी थीटा, एंड व्हाट अबाउट दिस, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस
डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर. बट वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ एस. सो व्हाट आई विल डू, डी एस इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई डी एस इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर एंड देन डी थीटा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद द लिमिटिंग वैल्यू. सो हियर इट इज एस एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव दिस मच डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर एंड देन. So whatever we have a limiting value, we will just put that value here and then we get the required limit. But integrate करेंगे इसके ऊपर तो हमारे theta के ऊपर depend करेगा. तो theta का value कहीं पे alpha 1 है, कहीं पे alpha 2 है, कहीं पे theta 1 है, कहीं पे theta 2 है. तो I am writing here theta 1 to theta 2. So S is what? Theta 1, theta 2, R square plus dr by d theta whole square d theta. So this is the description कि how the polar length will come. तो पोलर लेंथ हम लोग इसी तरह से फॉर्मूला से निकालते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं. गर्ल्स जिनको ये नोट डाउन करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट. आगे बढ़े. ओके मैम, राइट द क्वेश्चन. अच्छा, इसके पहले एक और कर लेते हैं. लेंथ पेडल इक्वेशन से कैसे फॉर्म करते हैं, इसी से आगे चलेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़ेंगे. लेंथ इन पेडल फॉर्म, हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ इन पेडल फॉर्म. लेंथ इन पेडल फॉर्म पढ़ लेंगे. लेंथ फॉर्म पेडल इक्वेशन कैसे दिखे, देखो पेडल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर. थीटा वहाँ नहीं होता, हम जो भी रिलेशन जनरेट करते हैं, इक्वेशन जनरेट करते हैं, वो किस मत है, पी में होती है या फिर आर में होती है. तो मेरे पास जो भी वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पी इक्वल टू एफ आर के फॉर्म में आपका इक्वेशन होगा. देन वी सी दैट द गिवन इक्वेशन इज इन द पेडल फॉर्म. अब आते हैं इसके फॉर्मूला. जब ये पेडल फॉर्म है तो मुझे दो चीज पता है, cos phi की वैल्यू कितनी होती है और sin phi की वैल्यू. cos phi की जो वैल्यू होती है वो होता है dr by ds के बराबर और sin phi की वैल्यू होती है r d theta by dr के बराबर. सो ये हो गया tan phi, जो tan, ठीक है, r theta by dr के बराबर. हमें क्या चाहिए, और अगर साइन फाई आप लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे आर डी थीटा बाय डीएस के बराबर होती है साइन फाई. तो ये तीन वैल्यू मेरे पास नोन है. और एक चीज जो हम जानते हैं कर्वेचर के चैप्टर से वो ये है कि जब हम पेडल इक्वेशन जनरेट करते थे तो हमें पेडल इक्वेशन एक मतलब था पी इक्वल टू आर साइन फाई, पढ़ा हम लोगों ने इन द सेमेस्टर वन. तो पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है जहां पर P क्या होता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल. यहाँ पे P क्या होता है, तो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टैंजेंट, टू द टैंजेंट, ये होता है P की वैल्यू. तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन जो है इतना हमें मिल गया हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़े. अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ds होल स्क्वायर जो आ रही है वैल्यू वो किसके बराबर है, dr स्क्वायर प्लस r d थीटा का होल स्क्वायर के बराबर. ये फॉर्मूला भी हम लोग के पास नोन है. इस फॉर्मूला से अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या करना है, यहाँ पे d थीटा नहीं अप्लाई करते हुए मुझे ds अप्लाई करना है, क्योंकि जो पेडल का रिलेशन है वहां पे थीटा नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं डी आर होल स्क्वायर से. डी आर होल स्क्वायर हो गया, डी आर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे भी डी आर के होल स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, नाउ इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव डी एस बाई डी आर होल स्क्वायर इक्वल, ये आ गया वन प्लस. ठीक है, नाउ दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, टैन फाइव. हमें थीटा नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे पहले tan स्क्वायर phi, देयरफॉर आई विल जस्ट चेंज दिस tan phi टू द sec स्क्वायर. तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर
5। तो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर 5 की जो वैल्यू आ गई, अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट sec स्क्वायर 5 के बराबर। एंड व्हाट इज sec स्क्वायर 5? इफ वी हैव अ cos 5 दिस मच, देन आई राइट द sec स्क्वायर 5 एज ds / dr। लिख सकते हैं सब ds / dr का होल स्क्वायर। अनफॉर्चूनेटली देखो अभी क्या आ गया, क्या यही चीज वैल्यू नहीं है जो हम देख रहे हैं? दोनों वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है P और R के फॉर्म में। तो इस तरह से तो P R हमें नहीं मिला, हमारे पास जो वैल्यू है P और R के फॉर्म में वो यहाँ से है कि साइन फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, पी बाई आर के बराबर है। तो हमारा अब जो नेक्स्ट प्रोसेस ये है, ये तो हमने चेक कर लिया कि यस इट इज ट्रू। अब आते हैं इसको हम लोग साइन ऑफ पी और आर के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो साइन फाई को हम लिख रहे हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई, 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। वी कैन राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं यस ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे इसी वैल्यू को डाल में लो लाल कलर बंद कर दो। तो ये हो गया ds / dr इज इक्वल्स टू देखो ये होल स्क्वायर, ये 1 by 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर मतलब क्या, पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो दिस इज व्हाट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट मींस वी हैव ds / dr इक्वल टू व्हाट दिस वैल्यू इन द अंडर रूट, रूट में लिखते हैं इस वैल्यू को। देयरफॉर ds इक्वल टू r डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इनटू dr। Can we write like this? Can we write like this? ds by dr है ना? And square भी है साथ में। तो पहले ये square इधर गया, तो ये root में आ गया। Root से हटाएंगे तो ऊपर में r, नीचे में ये root, and then we have a dr, तो dr को हम ले गए right side, and here it is ds। तो ये हो गया हमारा length। अब हमें length find करना है, तो इसके r की हमें limit भी डालनी होगी। तो यहाँ लिखते हैं thus the length of the arc of the curve, arc of the curve, okay, curve कितना है? कहाँ से? From, मान लेते हैं पहली वैल्यू है r1, तो क्या r की लिमिट है? From r1 to r equal to r2, ये कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को हम लोग दे देंगे यहाँ पे s equal to integration r1 to r2 r divided by r square minus p square and then dr. This is the formula for pedal equation के लिए length कैसे निकालना है, तो यही है मेरा formula. Clear guys? कोई doubt in this section? कोई doubt किस step में? Is it clear how we will get the ds? Here it is. Any doubt, girls? No? Do reply. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. The equation, जल्दी से कर लेते हम लोग, देखते कैसा length निकालते हैं. So write the equation. Question है, find the entire length of the cardioid. Find the entire length of the cardioid r equal to a 1 plus cos theta. This much. So, ये question का format कैसा है? Polar form है ना? Polar form है या नहीं ये बताओ पहले मुझे. Yes, ma'am. Polar form है. Polar form है. इसका फिगर याद है सभी को? ये सम पानी पता है।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चा कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हम कैसे निकालते थे। एनीवन जस्ट टेल मी हाउ वी आर गेटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, कैसे निकालते थे बताओ, कैसे फाइंड करते थे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, क्या पुट करते थे आर को ए, तो ए इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, वन इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, जीरो इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज व्हाट, नाइनटी डिग्री में आर इक्वल टू ए तो नहीं है, आर इक्वल टू टू ए होगा, वेट लुक गाइस, नाउ वी हैव अ टू थिंग्स, व्हेन वी आर मेकिंग दिस फिगर आई हैव अ वैल्यू ऑफ आर, दैट जब भी हम ये फिगर बना रहे तो हमें एक चीज पता चले कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, टू ए होती है, दैट मींस आर इक्वल टू टू ए, एंड वन टाइम व्हेन वी आर इन द पॉइंट पोल देन आर इक्वल्स टू जीरो, ओके, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द आर इक्वल्स टू जीरो, व्हाइल पुटिंग द आर इक्वल टू जीरो आई हैव जीरो इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, जीरो इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, सो थीटा इज योर पाई, सो फर्स्ट आई एम गेटिंग दिस लिमिट एज थीटा इक्वल टू पाई, सेकेंडली द वैल्यू ऑफ द आर इज व्हाट, टू ए, सो आई एम पुटिंग हियर आर इक्वल टू टू ए, सो आई एम गेटिंग हियर टू ए इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा, सो ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए को इधर लाके माइनस कर दिया, आई हैव वन इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब मेरी लिमिटिंग वैल्यू मिल गई जीरो टू पाई के बराबर। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला इन द पोलर फॉर्म, ओके, अब पोलर फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, सो लेट्स इरेज दिस वन गर्ल्स, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा फॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, so we have br by d theta minus a sin theta, therefore what is the value of r, therefore the whole length kitna ho jayega, s equal to integration over 0 to pi r square dr by d theta whole square then root then d theta, now put the value here, so 0 to pi r square, that means this value a square 1 plus cos theta whole square dr by d theta, that means this value a square sin square theta, we have a root here and then d theta, so integration 0 to pi a square taken the outside, so we have a 1 plus cos theta 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta and then d theta, this much, this is 0 to pi a, here it is 1 और इन दोनों को मिला के हो गया 1, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, सो आई कैन राइट लाइक दिस 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, फिर से 2 को कॉमन लेंगे, सो हियर इट इज रूट 2 ए 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, अगेन वी हैव अ 0 टू पाई रूट 2 ए आउटसाइड, हियर इट इज रूट ओवर 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा होगा, because we have a formula of what 1 plus cos theta, so this is 2 root over cos square theta by 2, so now taking the 2 again root 2 outside, so 2 root 2 and root 2 again getting, we are 2 a integration 0 to pi here it is cos theta by 2 and then d theta, clear no girls, now do the solution, this is 4 a 2 a cos ka kitna ho gaya sin minus sin theta by 2, अगेन आई हैव 1 बाय 2 0 टू पाई, सो 2 इधर आ गया, ये हो गया 4a, कितना हो गया माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, वो बाहर रख लेते, फिर हो गया माइनस साइन 0, सो हियर इट इज माइनस 4a, बट क्योंकि लेंथ है और लेंथ को हम लोग नेगेटिव नहीं देते हैं, कहीं पे कुछ छूट गया है, फोर इंटू टू एट
4a into 2 8a, कहीं पे कुछ छूट रहा है हम लोगों का, root 2, ओके यस ओके, दिस आर टू टाइम्स ना, हम ये तो सिंगल एरिया का हाफ का निकला है ना, डबल करेंगे तो टू टाइम्स दैट इज टू टाइम्स, सो हियर वी डिवाइड बाय 2 देन 4 ठीक है गाइस, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को कैसे बनाना है, इज दैट क्लियर? तो अभी जितना भी पोलर फॉर्म इक्वेशंस है बुक में, आप सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करिए, उसको एक साथ बनाइए, फिर हम और नेक्स्ट डे इसके पेडल फॉर्म पे लेंथ को फाइंड करेंगे। थैंक यू ऑल गर्ल्स।